सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं ग्राम पररिया प्रखंड पररिया पंचायत सोनबरसा जिला सहरसा की अस्थायी निवासी हूँ। मैं आंचल जीविका महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत बुककीपर पद पर काम करती हूँ। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मैं डोमनी दीदी हूँ। कृष्णा जीविका संघ सहिता समूह का कोषा अध्यक्ष हूँ। आंचल जीविका महिला ग्राम संगठन का सचिव हूँ। आज जे दीदी अपना आर के बैठक में आयल छे, आज अपना आर के मुख्य चर्चा करबे बैठक में जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करे से दीदी अपना आर के की लाभ हेतु, ए बारे में आज सब दीदी बातचीत करबे। जे उ खेती करने से हमरा कोन तरीका से उपज होते और फसल में नुकसान भी नहीं होते। देखियो दीदी, जैविक खेती जे अपना आर के करबे ओहिसे रसायन खाद के मुकाबले अच्छा उपज होते दीदी। धरती के जे छे पोषण शक्ति उ कम नहीं होइ छे, एकरा साथ साथ उपज भी ज्यादा होइ छे और अपना परिवार में बीमारी से बच सके छिए सब दीदी। और कोनो दीदी छिए जे जैविक खेती के बारे के लाभ के बारे में अहाँ सब बता सके छिए? देखियो दीदी, बैगन के भिंडी के खेती के लिए 10 धूर में लगेलिए, जे कि बाजार से बीज खरीद के आन लिए, वही में नहीं कुछ दलिए बाजार की खाद उद, खाली गोबर खाद दलिए कोरे घरी कोर के मिला के, तब फिर बीज फुला के रोप लिए, बहुत अच्छा भले। भिंडी बैगन दीदी फरले बहुत अच्छा ढंग से। हाँ दीदी, जे कि घर परिवार चल ले, बाहर से नहीं कोई साग सब्जी कीन के आन लिए। हाँ दीदी, और वह से अपना परिवार मेंटेन के लिए। हाँ दीदी, अहाँ सब दीदी जब एक तरह से करे ले चाहे छे तो करू, बोलू। दीदी जाने छे, हमू लगेलिए, कदुआ लगेलिए, झींगा लगेलिए, भिंडी सब सब्जी सब चीज लगेलिए बढ़िया से। हाँ बढ़िया से होइ छै, गोबर खाद देलिए यऽ आ खूब बढ़िया से उपजै छै, फलो बढ़िया खाइ छै, स्वाद बढ़िया आबै छै, बाल बच्चा वही में खाए पिए छै, परिवार सब निभै छै वएहमे। जब से इस ग्राम संगठन के अंदर मैं VRP पद पे काम कर रहा हूँ, से जैविक खाद के खेती के बारे में ध्यान नहीं था। आज इस मीटिंग दौरान के अंतर्गत जो जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली, इससे सभी दीदी को जानकारी देंगे और समूह और भीओ के मीटिंग में जाकर के सभी दीदी को बताएंगे कि जैविक खेती करें जो कि कम पूंजी में अधिक लाभ हो। आजका जे बैठक भले दीदी, अपना सबके जानकारी सब दीदी के मिले जैविक खेती के बारे में, जे कि कुछ ने कुछ सब दीदी बतेलिए और सब दीदी कुछ ने कुछ एकरा बारे में जान लिए। अभी तक दीदी अपना के ग्राम संगठन में बस पैसा के रख रखाव लेन देन वाला सब काम कर लिए, लेकिन दीदी अपना के जैविक खेती के बारे में अब कुछ आगू चिंतित होना है कि कई तरीका से किसान दीदी के जैविक खेती करने से ज़्यादा लाभ होते, वही विषय में कुसुमा दीदी जो अध्यक्ष छे भीओ के, वो कुछ दो चार लाइन बतेते सब दीदी के। आजका मीटिंग दीदी बहुत बढ़िया से भले, ई जानकारी दे के लिए चाहलिए जैविक खेती करे ले, से बढ़िया से अथी उपजोग करे ले, हरी खाद नहीं आनबे आ अथी अपने बर्मी कंपोस्ट खाद लैके अथी करबे उपजोग करबे। जैविक खेती के में दीदी बीजो उपचार शामिल छे, जैमे कि बीज उपचार करे के बाद नर्सरी बेड करना है, नर्सरी बेड करे के बाद दीदी ओकरा जैविक पद्धति विधि से पौधा आवे पर ओकरा जैविक पद्धति विधि से खेत में लगाना है। उ जैविक पद्धति से लगबे के बाद ही अच्छा तरह से ओकर रोपाई करना है और बीज उपचार जे हम करबे बीज शोधन उ हमर डोमनी दीदी करना है और वह दीदी अहाँ सबके बीज उपचार करके बतायत। जे भी दीदी बीज शोधन करे ले सीखे ले चाहे छे या वो काम करे ले चाहे छे, डोमनी दीदी से अहाँ सब सीख सके छे? हाँ दीदी, हम तो बीज उपचार कलिए या और दूसरों दीदी के हम बतेबे करेबे। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। विशेष रूप से यहीं लोग आयल रहो, यहाँ जो इतना मीटिंग में बतेने रहिए,
हम बैगन के बीज उपचार करे ला जाने छे त यहां अभी हमरा बतेबे। हां भैया जरूर बतेबे, चलू हम जाय छी कोई खाना बनबे ले, जरना जला बन ला के आबू। ठीक है चलू। अभी भैया सब सामग्री नै देलिए, बैठू हम बतबै छी। हां बैठू भैया। ई 10 ग्राम बैगन के बीज भेले। ओई बीज भेले दीदी। हां ई भेले विविस्टिन पाउडर भैया। विविस्टिन पाउडर छी। हां ई भेले वर्मी कंपोस्ट। ओई वर्मी कंपोस्ट। हां ई भेले गौमूत्र। ओई गौमूत्र छी। हां भैया ई भेले दस्ताना भैया। ओई दस्ताना छी। हां ई सूती कपड़ा भेले। ओई सूती कपड़ा भेले। ई सुसुम पानी भेले। ओ सुसुम पानी छी। हां हां भैया ओ सुसुम पानी छी। ई डिब्बा ई भेले एमे मिलेबे। ई नपना छे 100 ग्राम। नपना छे सब जे सामग्री छे भैया से आब हम अहाँ के बतबै छी से बैगन के बीज उपचार केना होय छे। ई सब सामान दीदी बीज उपचार करे में लाय छे। हां भैया भैया आब हम बतबै छी से बीज उपचार केना केना होय छे। हम बतबू दीदी। सौ ग्राम पानी एमे डाल देबे। और 100 ग्राम पानी ले। हां 100 ग्राम पानी डाल देबे। 20 ml गौमूत्र। 10 ग्राम बैगन के बीज। हां दीदी। हां एमे डालल जाय छे। और 10 ग्राम 10 ग्राम वर्मी कंपोस्ट। 10 ग्राम वर्मी कंपोस्ट। हां भैया तब अकरा जे छे ई सब अथी क के एमे दे के अकरा मिलबै छी 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मिलेनाय छे। हां भैया 10 मिनट तक अकरा एना मिलेनाय छे। दस मिनट भैया भए गेले। आब हम अहाँके बतबै छी बैगन के बीज की करबै से बतबू दीदी। एम तऽ देखै छियै बीज ऊपर मे तैर रहल छै बहुते। ई जे बीज भैया ऊपर मे हेलै छै से ओ बीज खराब छै। ओ खराब छै। हाँ भैया ओ बीज खराब छै और बढ़िया बीज जे छै से बैठ गेलै। भैया ई खराब बीज जे छै एकरा हम निकालि के हैया फेंक देलियै। फेंक दिए। हाँ भाई ओकरा फेंक दलिए। बढ़िया वाला बीज जे छे ओकरा सूती कपड़ा में, ये सूती कपड़ा छे ना। हाँ सूती कपड़ा में छाने छी। ओ छान दी। हाँ भैया आब ओकरा जे छे हम छान लेलिए। छानि लेलिया। हाँ एकरा छानि लेलिए। छानि के की करबै दीदी। आब एकरा की करबै एक पेपर पर एक पेपर पर दे देबै भैया। आब जे छै ई बीज 5 मिनट होय गेलै। आब सूखा वाला कपड़ा जे सूती छै। हाँ तऽ ओहि पर हमे भैया एकरा रख देलिए। हाँ एकरा हैया सूती कपड़ा पर दे दलिए। ओहिमे जे छै एहिमे जे छै आब हमरा की करनाइ छै। की करनाइ छै दीदी। एहिमे आब हमरा की करनाइ छै ई जे छै विविस्टिन पाउडर। विविस्टिन पाउडर ई छियै। हाँ भैया ई विविस्टिन पाउडर छियै। विविस्टिन पाउडर जे छै भैया ई। हाँ दीदी ई बड़ी जहरीला होइ छै। बहुत जहरीला होइ छै। हाँ भैया ई बहुत जहरीला होइ छै। ई हाथ लग जे दबे एमे चमड़ा में सेट जेते तो हाथ में हानि करते। हानि करते। हाँ भैया हानि करते। तो वही लिए जे छे से हमें दस्ताना के में जरूरी पड़े छे। दस्ताना जरूरी पड़े छे। हाँ भैया आब हम अहाँ के भैया बतबै छी से विविस्टिन पाउडर केना मिलबै छे। हाँ दीदी बतबू। एक चुटकी
विभीषण पाउडर ओहिमे डालि कऽ इस्तेमाल, हँ भैया एक चुटकी ओहिमे बैगन के बीज मे इस्तेमाल करै छी। आब हम इस्तेमाल कए देलियै। हँ दीदी, आब ओकरा की करबै? आब ओकरा की करनाइ छै भैया, इस्तेमाल कए देलियै। हँ आब जे छै एकरा, हँ दीदी सूती कपड़ा छै ने ई, हँ एकरा बान्हि के, हँ सूती कपड़ा मे आ छायादार जगह मे, हँ दीदी हमरा रख देनाइ छै। छायादार जगह मे रखनाइ छै? छओ घंटा। छओ घंटा रखनाइ छै? हँ भैया छओ घंटा। ओहिसँ की हेतै दीदी? दीदी छओ घंटा छायादार मे कथी खातिर रहतै? ई छओ घंटा जे रहतै भैया छायादार जगह मे एहि के लिए रहतै से ई बीज मे शक्ति अयतै, उपयोग ठीक हेतै, पौधा भी अच्छा अयतै। पौधा अच्छा हेतै, हँ ओहि खातिर जे छै ए बीज के हम छओ घंटा छायादार जगह मे रख देनाइ छै। हँ दीदी। हँ भैया आप समझ गेलियै ने भैया? हाँ दीदी आप समझ गेलियै। हाँ समझ गेलियै, चलू। एक मिनट दीदी। हाँ कोनो सावधानियो अपने नहीं छै? हाँ भैया अपने नहीं छै, सावधानी तो अपने नहीं जरूरी छै। दीदी की सावधानी अपने नहीं छै? बैगन के बीज उपचार करे के लिए भैया सुसुम पानी छै, गरम नहीं होय के चाहिए। हाँ सुसुम पानी और ओकर बाद जे छै से विभीषण पाउडर जे छै, विभीषण पाउडर बहुत जहरीला होइ छै। विभीषण पाउडर जहरीला जे होइ छै ओहि खातिर खाली हाथ ओकरा नहि छुए के छै। खाली हाथ नहि छुए के छै, दस्ताना लगाए के ओकरा इस्तेमाल करी। अगर दस्ताना नहि छै तऽ प्लास्टिक लपेट के ओकरा इस्तेमाल करे के छै, मिलै नहि छै और बच्चा से घर मे दूर रखे के छै। इएह सब सावधानी अपने नहि छै? हाँ भैया इएह सब अपने नहि। दीदी कुछ भैया दीदी के संदेशो दै लए चाहै छियै? सब भैया दीदी से यही कहना छै से बैगन के बीज जब भी उपचार करते तीन मुख्य बिंदु हमेशा अपनेनाइ छै। और पहला मुख्य बिंदु छै से बैगन के बीज गौमूत्र और बर्मी कम्पोस्ट में 10 मिनट तक मिलेनाइ छै। और दूसरा मुख्य बिंदु छै से बैगन के बीज बढ़िया बीज में विभीषण पाउडर मिलेनाइ छै। तीसरा मुख्य बिंदु छै से सूती कपड़ा में बैगन के बीज अच्छा बीज के छेक के ढक के छायादार जगह में 6 घंटा रखना है। दीदी यहाँ जे अपन कीमती समय दे के बैगन बीज उपचार करे के बारे में बतेलिए, एकरा लिए यहाँ के बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ठीक है चलो।